हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित क्लासेस। जैनित क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलाई जा रही हैं सीजीएल 2020 के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल ही सीपीओ 2020 का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आप सीपीओ को भी टारगेट कर रहे हैं तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं है, फालतू के रूल्स बिल्कुल भी नहीं डाले गए हैं। जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपको यहाँ पे बिल्कुल पढ़ने को मिलेगा। तो आपको ये क्लासेस आपको दोनों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आप आराम से यहाँ से अपने एग्जाम को कवर कर सकते हैं, सिलेबस को कवर करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। मेरे लेक्चर को काफी ज्यादा सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी बातें आप लोगों को पता ही हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास जो है वो आपका प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में आप लोगों को कल दे चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से भी जाकर लेक्चर 1 को देख सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को फ्रेंड्स नाउन पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको प्रोनाउन को अच्छे से समझना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले नाउन को अच्छे से समझ लें, क्योंकि नाउन के जगह पे ही प्रोनाउन का यूज होता है। तो आप नाउन का लेक्चर भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसके टोटल 7 पार्ट बने हुए हैं, आप वहां से अपने नाउन को कंप्लीट कर सकते हैं नाउन के लेक्चर को अच्छे से देखकर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं, नाउन की जगह पे हम कैसे यूज करते हैं, हमें क्यों प्रोनाउन की जरूरत पड़ी, कि हमें नाउन से काम क्यों नहीं चला, हमें प्रोनाउन क्यों बनाना पड़ा, फिर उसके काफी टाइप्स होते हैं। तो कल मैंने टाइप्स के बारे में भी आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम उसके आगे देखेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो सबसे पहला बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, कि आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ दिया था। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम उसे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे उसके एग्जाम में यूज होते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की क्लास में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए अगली स्लाइड में चलते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, तो हम इसे डिटेल में जानते हैं। देखिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो आपका मेनली यूज होता है प्रॉपर नाउन की जगह पे। अगर आपको कहीं भी प्रॉपर नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करना है, उसके लिए आपको प्रोनाउन की जरूरत होती है, तो हम मेनली पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि पर्सनल क्या होता है, जो पर्सन से रिलेटेड हो। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जो भी पर्सन से रिलेटेड होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई आदमी है, तो आपका कोई आदमी है फ्रेंड्स, तो आप जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, और आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहे हैं और वो व्यक्ति आपको सुन रहा है, तो वो हो गया एक, तो आप हो गए, और दूसरा वो पर्सन हो गया, और तीसरा आपको जो आप उससे बोल रहे हैं, और तीसरा कोई और हो गया, काफी सारे लोग हो गए जो आपकी बातों को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है कि जो आप हो गए फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये क्या आपको जो आपको सुन रहा है वो क्या हुआ, जो आपको सुन रहा है वो क्या हुआ, वो सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन बाकी जो आपको और वो दूसरे को छोड़कर जो भी बचा दुनिया में, काफी सारे कुछ भी हो गया, चाहे वो आपका लिविंग हो नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो गया कोई मैटर नहीं करता, वो सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन में आ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया फर्स्ट पर्सन जिसमें आप आ गए, दूसरा आपका सेकंड पर्सन हो गया जिसमें कि आपको कोई सुन रहा है, कोई सेकंड आदमी हुआ, और बाकी जो थर्ड पर्सन में वो आ गया जो कि दुनिया में सारी चीजें आप और दो को छोड़कर वो सारी चीजें आ गई वो आपका थर्ड पर्सन में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम इसे जैसे देखते हैं कि क्या होता है, हम कैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका आई होता है, बी होता है, या फिर सी हो गया, हर हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी में आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, कुछ होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, तो हम उसे कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं ये हम यहाँ से सीखते हैं। तो देखिए आपको जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये मैंने आपको बताया नहीं कि आपके 3 पर्सन में होते हैं, एक तो आपका फर्स्ट हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, और तीसरा थर्ड हो गया। तो फर्स्ट पर्सन को भी हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन में भी आपका एक सिंगुलर हो गया,
दूसरा प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन को अगर हम यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के बारे में अगर हमें बताना है किसी सेंटेंस में, तो उसमें भी आपका सिंगुलर हो गया और दूसरा आपका प्लूरल हो गया। उसी तरीके से थर्ड पर्सन में भी आपका सिंगुलर एंड प्लूरल हो गया। तो हम जो आपका ये फर्स्ट पर्सन हुआ, तो उसमें फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए जो हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है आई। और जो प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं वो होता है बी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर हमें सब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है तो हम सिंपली आई, सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए बी यूज करते हैं। लेकिन यही अगर हमें ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन को यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन में यूज करना है, तो उसके लिए हम आई के लिए मी का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह, और बी के लिए हम अस का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यही ट्रेंड्स में आपको देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन दिख रहा होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको जैसे देखिए अगर आपसे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है तो क्या होता है कि आप सबसे पहले एग्जांपल देखिए, आप जैसे कि आपको अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है ले आई के लिए। लेकिन अगर आपका पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आपका क्या होता है, माइन होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें आपका जो नाउन होता है वो आपका इसमें ऐड होता है। इसमें सेंटेंस में इसे यूज करने के बाद आपको अलग से नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर माई की बात है तो इसमें आप ऐसे ध्यान रखना है कि माई प्लस आपका ऑब्जेक्ट इसी में आपको मिल जाता है। जैसे कि माई बुक, जैसे आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझते, दिस इज माई बुक, ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल आपका हो गया दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका माई यूज हुआ है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट इसके बाद आपको नाउन की जरूरत पड़ी है। तो आपको पता ही है कि नाउन को अगर नाउन की अगर विशेषता बतानी है तो उसके पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे माई जो यूज हुआ है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस में देखें तो आपको क्या है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे जो आपका माइन है फ्रेंड्स, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को समझे तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो माइन उसका सेंस क्या निकलेगा, माइन का मतलब होगा कि माई बुक, मीन्स आपको ये जो माइन है इसमें आपको अलग से माइन के साथ बुक लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको नाउन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके साथ आपका क्या होता है, माई प्लस नाउन, उसके साथ आप इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपका माई प्लस नाउन दोनों एक साथ आएगा। लेकिन अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसके बाद आपको नाउन अलग से यूज करना होगा। ये आप इसे सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिए क्या है, बी का आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट बी हुआ, ऑब्जेक्ट अस हुआ। अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं बी के लिए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा। यहीं पे अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो आपका आवर्स हो जाएगा। हम अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो अगर सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो आपका यू हुआ, और प्लूरल में भी फ्रेंड्स यू ही होता है। तो सिंगुलर प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए दोनों सेम ही होता है। आपको सब्जेक्ट यूज करना है तो आप यू यूज कीजिए, आप अगर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं फिर भी आप यू ही यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो आपको योर यूज करना है, आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो दोनों के लिए आप योर ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो आपको योर यूज करना है, आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। आप यहाँ पे सिंपल एक याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब हुआ आपको माई प्लस नाउन, यहाँ पे माई प्लस नाउन हो गया, यहाँ पे आप सेकंड में समझ सकते हैं यू प्लस नाउन हो गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको नाउन पॉजेसिव प्रोनाउन में उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर आप थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी आपके सिंगुलर में आ गए, चाहे वो हो गया आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सारे भी जो होते हैं सिंगुलर, ये सारे आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह तो हम इसे ऐसे यूज करते हैं ही सी इट के साथ, और अगर ऑब्जेक्ट की हमें यूज करना, ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो हम यूज करते हैं हर हो गया, हिम हो गया, इट का हम इट ही रहने देते हैं, ऑब्जेक्ट में भी हम इट को इट ही लिखते हैं। अगर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हर यूज करते हैं, हिज यूज करते हैं,
और हम पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे इट को इट्स यूज करते हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर अगर हमें पोजेसिव प्रोनाउन में यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सी का जो सी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं, ही के लिए हम हिम यूज करते हैं, सॉरी हिज यूज करते हैं, इट के लिए हम इसका पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है, दे आता है, तो दे के लिए हम जो सब्जेक्ट होता है वो तो दे ही होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव हम क्या यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं, और अगर हमें पोजेसिव प्रोनाउन में यूज करना है तो हम देयर्स का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि आपको किस फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट, कैसे पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना है, कैसे पोजेसिव प्रोनाउन की जगह पे यूज करना है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स को कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे उससे उस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल आपका क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका अगर कोई वर्ब है फ्रेंड्स और उसके पहले अगर आपको ये नाउन का सॉरी प्रोनाउन का यूज करना है तो आपको क्या यूज करना है, नॉमिनेटिव केस का यूज करना है वर्ब के पहले, और वर्ब के बाद आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका टीच क्या है, टीच आपका वर्ब है, तो वर्ब के पहले आपको क्या यूज करना है, आपको नॉमिनेटिव केस यूज करना है, तो यहाँ पे आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, लेकिन आपको वर्ब के बाद क्या यूज करना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पे हमने हिम यूज किया है। चाहे आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस में हो या फिर पैसिव वॉइस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस और वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। देखिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और दूसरा ये आपका पैसिव वॉइस में है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए टॉट क्या है, टॉट आपका वर्ब है और वर्ब के पहले हमें क्या यूज करना है, नॉमिनेटिव केस यूज करना है, तो हमने ही यूज किया है, और वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो हमने मी का यूज किया है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, मैंने आपको पीछे की स्लाइड पर बताया नहीं है। तो ये आपका रूल नंबर वन था। रूल नंबर दो क्या है कि अगर आपको देखिए फ्रेंड्स कोई अगर आप कोई काम करते हैं तो अगर आपको गुड सेंस मिल रहा है, जैसे कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये सारे आपके क्या गुड सेंस देते हैं, तो अगर आप गुड सेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो आपको टू थ्री एंड वन का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि ये आपका पर्सन हो गया, अगर आपको अच्छा सेंस देना है सेंटेंस से, अगर आपको पता लग रहा है कि आप अच्छा सेंस है तो आपको सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज करना है, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन का यूज करना है, उसके बाद आपको खुद का यानी कि फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, अपने आप को सबसे पीछे रखना है, पहले आपको सेकंड पर्सन की बात करनी है, आपके बारे में बात करनी है, उसके बाद आपको बाकी जो थर्ड पर्सन के लोग हैं उसके बारे में बात करना है, और सबसे लास्ट में आपको अपने बारे में बात करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर सेंटेंस आपको गुड सेंस देता है तब आपको आपका जो प्रोनाउन लेने का जो क्रम होगा वो टू थ्री वन का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या है, यू ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्जाम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस क्या दे रहा है, गुड सेंस दे रहा है, आप एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि देखिए यहाँ पे जो यू है क्या है, सेकंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको इसी क्रम में आपको लेना है कि अगर आपको गुड सेंस दे रहा है तो आपको टू थ्री वन का क्रम लेना है। फिर क्या होता है कि एग्जाम में आपको तीनों चीजें तो देंगे नहीं कि आपको जरूरी है कि सेकंड भी दे, थर्ड भी दे और फर्स्ट भी दे, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी दो दिया हुआ है तो आपको इसी क्रम में लेना है। जैसे कि अगर आपको सेकंड एंड थर्ड पर्सन दिया है तो आपको सेकंड एंड थर्ड लेना है, पहले सेकंड उसके बाद थर्ड लेना है। फिर अगर आपको थर्ड वन दिया है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया है तो आपको थ्री वन का कॉम्बिनेशन लेना है। फिर आपको टू वन दिया है तो आपको वन एंड टू का कॉम्बिनेशन लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम नीचे की ये नीचे वाला सेंटेंस उसमें देखते हैं, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, आपने कोई काम किया है, अच्छा सेंस दे रहा है, तो आपको क्या करना है, ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, और आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, तो आपको थ्री एंड वन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेना है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे जा रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए यू एंड ही है,
यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन लेना है। आपने कोई अच्छा काम किया है, डन अ ग्रेट जॉब, तो यहाँ पे गुड सेंस है, तो आपको इस तरीके से इस क्रम में आपको प्रोनाउन को यूज करना है। फिर देखिए आगे क्या है, ये तो आपका गुड सेंस हो गया, लेकिन यही आपके कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें कि आपको बैड सेंस, जैसे कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं, फिर आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई ब्लंडर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए जो आपका क्रम आएगा वो आपका 1, 2 और 3 का आएगा। जैसे कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई बैड सेंस है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने बारे में बात करनी है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि आपको अपने बारे में बात करनी है, फिर आपको सेकंड पर्सन के बारे में बात करनी है, फिर आपको थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है। ये क्रम आपको रखना है। क्या अगर आपको सेंटेंस से पता लगे कि कोई बैड सेंस में हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तब आपको ये पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रखना है। तो हम इस एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, मतलब कि वहां पे कोई गलती की गई है, मतलब कि कोई बैड सेंटेंस दे रहा है। देखिए क्या है, आई यू एंड ही, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, एंड ही क्या है थर्ड पर्सन है। तो इसी क्रम में आपको प्रोनाउन को यूज करना है। इसमें भी अगर आपको दो, अगर आपको किसी दो को कंपैरिजन करना है, तो आपको क्या कैसे यूज करना है, आपको एक और दो यूज करना है, आपको कैसे चलना है, इधर से इस साइड चलना है। तो क्या करना, लेफ्ट टू राइट चलना है। आप पहले 1 और 2 लेंगे, फिर आपको दो दिया है तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, उसके बाद आप फिर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन लेंगे, या आपका बैड सेंस का कॉम्बिनेशन आ गया। देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, यू एंड ही, तो यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, और ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ रहा है सेकंड एंड थर्ड का, तो इसी तरीके से आपको यूज करना है। फिर आपको एक नीचे सेंटेंस लिया हुआ है, बी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो आपको सेंटेंस गुड सेंस दे या फिर बैड सेंस दे, आपका जो क्रम होगा वो 1, 2 और 3 का होगा। मतलब कि आपको पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, उसके बाद सेकंड पर्सन का यूज करना है, फिर आपको थर्ड पर्सन का यूज करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बी यू एंड दे है, तो बी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड हो गया और दे आपका थर्ड हो गया। तो आपको अगर प्लूरल में यूज करना है, तो आपको इस क्रम में यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए रूल नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, लेट, लाइक, बिटवीन, एंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ में ही चलते हैं। उसके बाद आपका हो गया बट, एक्सेप्ट, ऑल प्रीपोजिशन, जितने भी आपके प्रीपोजिशन हो गए वो सारे के सारे प्रीपोजिशन, ये सारे अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स और प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। केस आपका क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही आपका रूल नंबर 3 है। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल, लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ पे आपको देखिए लेट क्या है, ये इसी वर्ड्स में है, देखिए यहाँ पे लेट है, तो लेट के बाद आपको क्या लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है। मैंने आपको पहली स्लाइड में सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो आपको मी लेना है, ना कि यहाँ पे आई होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि बिटवीन एंड जो है उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस आपको क्या लगता है कि सी होता है, बिल्कुल नहीं, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही सेंटेंस क्या है वो क्या होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड आई, सॉरी हर एंड मी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर क्या है, एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, देखिए ये आपका जो यहाँ पे आपको ये बट दिख रहा है, बट, तो बट के बाद आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है। फिर आपका चौथा सेंटेंस क्या है, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे ये वर्ड्स है, तो एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट के बाद आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो आपको यहाँ पे ही ना होकर क्या होगा, हिम आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट, सॉरी एक्सेप्ट हिम, तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर देखिए रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एज है या फिर देन
एज या देन, ये दो वर्ड होते हैं। उसके बाद अगर आपको अगर प्रोनाउन यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, तो आपको नॉमिनेटिव केस में यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे वर्ड्स जो है उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को, और एज और देन के बाद आपको नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना है। तो देखिए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, ही इज एज फास्ट एज मी। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको क्या है, मी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट की तुलना आपको सब्जेक्ट से ही करनी है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है। तो आपको ही की तुलना यहाँ पे देखिए, जो ही है आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो आपको ये मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कैसे कर सकते हैं, आप हमेशा जो कंफ्यूजन होता है वो हमेशा सिमिलर चीजों में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ पे अगर ही है जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, आपको जो उसके बाद जो अगर आप उससे किसी की तुलना कर रहे हैं, तो वो आपका जो फॉर्म होगा वो भी आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा या फिर नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मी ना होकर क्या होगा, आई होगा। आपको सब्जेक्ट की तुलना आपको सब्जेक्ट के साथ करनी है। फिर क्या है आपका सेकंड सेंटेंस क्या है, आई रन फास्टर देन हिम। तो यहाँ पे देखिए फास्टर आपका सॉरी देन आपका वर्ड आया है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर रहे हैं आई यानी कि सब्जेक्टिव केस के साथ या फिर नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव एक ही हुआ, तो आप नॉमिनेटिव केस का कंफ्यूजन किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस के साथ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हिम को काट कर आपको क्या आपका सही यूज होगा, ही होगा। तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। आपको हमेशा सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही करनी है, ऑब्जेक्ट की तुलना आपको ऑब्जेक्ट से ही करनी है, हमेशा आपको सिमिलर चीजों में ही कंपैरिजन करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक एक्सेप्शन के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं, क्या है, आई नो यू एज मच एज हिम। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसे सेंटेंस के मीनिंग के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे आपने इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट की तुलना आपने सब्जेक्ट से की, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है। अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझे, क्या बोल रहा है, आई नो यू मतलब कि मैं तुम्हें जानता हूँ, एज मच एज हिम तो जितना कि मैं तुम्हें उतना ही जानता हूँ जितना कि मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे जानने की बात की जा रही है, यहाँ पे मेरी बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जानने ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मीनिंग निकलेगा फ्रेंड्स वो क्या होता है, जैसे कि देखिए इसका जो मीनिंग निकलेगा वो होगा आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। ये आपको ध्यान रखें, एज मच एज आई नो हिम, तो इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो कुछ इस तरीके से होगा, तो मैं तुम्हें उतना ही जानता हूँ जितना कि मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है। फिर देखिए आपका रूल नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट वर्ब प्लस नॉमिनेटिव केस। अगर आप इट का यूज सेंटेंस के इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के रूप में करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपका वर्ब आता है तो आपको उसके बाद नॉमिनेटिव केस का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, देखिए इट इज आई हु एम टू ब्लेम। तो यहाँ पे क्या है, इट है, उसके बाद आपका क्या है, वर्ब आया है, वर्ब का बी फॉर्म है, उसके बाद आपको क्या है, आपको नॉमिनेटिव केस ही लेना है। यहाँ पे आपका आई बिल्कुल ही सही है, जो कि आपका नॉमिनेटिव केस है, आप यहाँ पे काट कर इसे मी नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव केस नहीं ले सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इट का हम यूज कर रहे हैं, तो इट का यूज क्या क्या होता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आपको इट का यूज करना है, तो आप एनिमल, नॉन लिविंग, कंट्री, इनफैक्ट से जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी कोई जानवर हो गया, फिर कोई निर्जीव वस्तु हो गई, कोई देश हो गया, कोई शिशु हो गया, कोई बच्चा हो गया, तो उसके लिए हम इट शब्द का, इट वर्ड का यूज कर सकते हैं, इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। तो यहाँ पे अमेरिका है, तो इट किसके लिए यूज किया गया है, इट आपका अमेरिका के लिए यूज किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट यहाँ पे अमेरिका के लिए यूज किया गया है। आपको एक बात और ये ध्यान रखना है कि इट का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड लाइन हम देखते हैं, सेकेंड सेंटेंस, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। तो यहाँ पे दे जो यूज हुआ है, इट का जो प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है, तो वो श्रीलंका एंड पाकिस्तान के लिए यूज हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि आप इट का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इट के कुछ और भी यूज हैं, जैसे कि आपका टाइम हो गया, वेदर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सारी चीजों को बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज विंटर, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे, ये सारे सेंटेंस को, इन सारी चीजों को बताने के लिए हम इट को यूज करते हैं। इट का एक और यूज होता है कि हम सेंटेंस के इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस का ये जो इट है इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में ही यूज हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट के और भी काफी ज्यादा यूज होते हैं लेकिन वो आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। अगर आगे मैं जब पढ़ाऊंगी तो जैसे जैसे मैं रूल्स बताती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर करती जाऊंगी। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तभी मुझे वीडियोस और अच्छे अच्छे बनाने का मन करता है। तो आप ये दोनों चीज करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, वहां पे काफी सारे यूजफुल वीडियोस आपके काम की पड़ी हुई हैं। वहां से जाकर आप तैयारी को अपने एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सारे क्लासेस बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड ही यहाँ पे आपको पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाई जा रही है, तो आपको काफी ज्यादा उससे बेनिफिट होगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ, वहां पे हम कुछ और आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय। कल की क्लास में मिलते हैं।